अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं खाली सिर्फ डोंडे फ्राई करने वाली थी, तो यहाँ पर लंबे लंबे इसको काट लेना है अपन को। आप कैसा भी काट सकते। अब इसको अपन एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल थोड़ा ज़्यादा लेना है, इसको ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा अच्छा फ्राई करने के बाद नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन, सिर्फ इतने ही चीज़ें डालना है अपन को, और हेल्दी और टेस्टी नाश्ता अपना रेडी हो जाता। रोटी के साथ भी खा सकते आप, या कुछ भी अगर आपके पास पतला सालन हुए है तो उसके साथ चखते हुए भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा हेल्दी और टेस्टी रहता ये। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, आपके हिसाब से ले सकते हैं आप जितने आपके डोंडे हैं। और फिर डालेंगे अपन लाल मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन। अब ये सब चीज़ें डाल के अपन को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये बहुत हेल्दी और टेस्टी भी रहता, और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। कच्चा कच्चा ही रहा तो अपने को अच्छा रहता, ज़्यादा फ़ायदा देता। तो अपन ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप बच्चों को टिफ़िन में, उसमें भी, नाश्ते में भी दे सकते हैं, और बहुत टेस्टी और हेल्दी रहती है, और जल्दी बन जाता, झटपट 5-10 मिनट में रेडी हो जाती है अपनी ये रेसिपी। इसमें आप आलू भी ऐड कर सकते। अब मैं लास्ट में इसमें थोड़े से टमाटे ऐड करूँगी। आप नहीं डाले तो भी चलता, लेकिन टमाटे डालने से ज़रा अच्छा फ्लेवर आता और टेस्ट ज़रा बदल जाता। तो यहाँ पर अपन लास्ट में थोड़े टमाटे डाल के 5-10 मिनट पकाएंगे। अब मैं यहाँ पर 3-4 टमाटे ली थी, ये टमाटे काट के इसमें अपन ऐड कर देंगे, और इसको एक 5-10 मिनट पकाना है, बस हो जाती है अपनी रेसिपी रेडी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।